नमस्कार और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। मैं हूं दीपक विशाल। लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि ये जो खबर है वो पक्की खबर है। रांची में लालू प्रसाद यादव जेल में बंद थे और उनकी इलाज चल रही थी, हालांकि अभी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। उनको 16 बीमारी जो है वो लगी हुई है, तो इस पर लालू यादव को अब जो है वो दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया है और अभी तुरंत उनको दिल्ली लाया गया है। आपको बता दें कि लालू यादव के बेहतर इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड ने फैसला लिया है कि उन्हें दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए रिम्स से दिल्ली ले जाने की सारी तैयारी भी कर ली गई और शाम 5 बजे उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि लालू यादव को 2 दिन से सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही थी, इसके बाद शुक्रवार को उनकी जाँच की गई और उसमें निमोनिया की पुष्टि हुई। उनकी उम्र को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दिल्ली में स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया है। डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि प्रशासन और यादव के परिजन उन्हें एम्स में भर्ती करने के लिए ले जाने हेतु एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर गहरी चिंता है और परिवार बेहतर इलाज चाहता है। और इधर तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, वो एक कैंपियन भी चला दिया है हैशटैग लालू करके। ये कैंपियन जो है वो लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और तेज प्रताप यादव इसमें पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और ये जो है वो पूरी तरह से उस पर लग गए हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है ये हम जानते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार लालू यादव। अच्छा है, उसके लिए सारी तैयारी चल रही है और समय पर बजट होगा, उसके बारे में तो तिथि घोषित हो चुकी है। सब तरह का जो विधानसभा विधान परिषद का जो सत्र प्रारंभ होगा उसके बारे में तो निर्णय कैबिनेट का हो चुका है और इसके बारे में तो सब लोगों को मालूम ही है। सब चीज़ समय पर होगा, सारी बात हो रही है और स्वाभाविक है कि एक सप्लीमेंट्री बजट भी आता है इस साल वाला, वो भी आ जाएगा। और जो आप कह रहे हैं, हम लोगों ने इसमें पूरी कोशिश की है और हमारा कोशिश चल रहा है कि जो भी काम चल रहा है वो काम तो हम लोग जो बचा हुआ काम है उस काम को तो पूरा करेंगे ही, और जो नया हम लोगों ने सोचा है 7 निश्चय 2 उसके संदर्भ में भी क्या योजनाएं होंगी, लगभग योजनाओं की भी पूरी तैयारी की जा चुकी है और हम लोग नए इस जो आपका बजट है इसमें उसका भी कुछ प्रावधान होगा और काम भी हम लोग समझ लीजिए कि 2021 से शुरू कर देंगे हम लोग पूरे तौर पर सब जगह जो कुछ भी संभव होगा और सबके लिए योजनाएं तक बन रही है। हर जगह का पूरा सर्वेक्षण करके कहाँ क्या होगा और एक एक चीज़ के लिए काम हम लोगों ने करवाना प्रारंभ किया और पहले का जो काम चल रहा है, पहले का जो 7 निश्चय का जो काम जो कुछ बचा हुआ, जैसे हर घर पानी पहुंचाने वाला नल का जल, तो कुछ जगह जो बचा वो पूरा होगा, एक एक काम पूरा हो जाएगा और बाकी जो काम पहले से चल रहा है विकास का वो भी काम होगा। जो पहले से आप जानते ही हैं कि जिस पर काम प्रारंभ किया गया वो सब भी पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो हम लोगों ने योजनाएं बनाई है उन सब योजनाओं पर भी अमल चल रहा है, उन सब चीज़ों को भी देखा। आम बजट से बिहार को क्या उम्मीद है? 1 तारीख फायदा होगा, डेवलपमेंट होगा और क्या, सोचने की बात है। अब तक आप देखते हैं बिहार को कुछ मिलेगा इस बार आम बजट? देखिए, बजट के बारे में कोई स्पेसिफिक बात तो पहले नहीं बताया जाता है, ये अधिकार तो विधान मंडल का है, वहीं पर ये सारी बातें कही जाती है। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ही बजट का प्रावधान रहेगा। चाहते हैं जल्दी स्वस्थ हों, आप तो जानते हैं पहले जब अलग भी थे तो भी हम लोग कुछ खबर लेते थे, जब हम खबर ले रहे थे उनका जो देखने वाला व्यक्ति था तो मेरे ऊपर क्या क्या कह दिया था,
याद है ना 17-18 में परिवार का, तब से तो हम कह दिया कि हम जानकारी नहीं लेंगे, अखबार ही से मिल जाएगा, तो अब तो अखबार ही से और न्यूज से रिपोर्ट से मिल जाता है। तो हम लोगों की मैंने मेरी शुभकामना है कि यथाशीघ्र स्वस्थ हो जाए, अगर किसी तरह की कोई तकलीफ है उसे उनको फुर्सत